हेलो फ्रेंड्स, मैं उसने मेरे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? गर्मी का सीज़न है तो हर किसी के घर में छाछ लस्सी ज़रूर बनती है, तो उसके लिए आपको दही चाहिए। तो घर पर दही आप कैसे जमाएंगे? हलवाई जैसा। आज उसकी रेसिपी मैं शेयर करूंगी। आप देख सकते हैं ये कितना गाढ़ा दही सेम हलवाई जैसा बनेगा। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन क्लिक करना भी ना भूलें, ताकि आपको हर न्यू वीडियो की अपडेट मिलती रहे। सबसे पहले हम बर्तन रख देंगे, गैस ऑन कर देंगे। अब इसमें हम 2 कप दूध डालेंगे। ये मैंने फुल फैट मिल्क लिया है, ताज़ा दूध लिया है। आप चाहें तो गाय का दूध भी ले सकते हैं। मैंने 2 कप दूध डाला है, अब हम गैस ऑन कर देंगे। दूध जब तक उबल रहा है तब तक हम एक गोल बना लेते हैं। 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर, इसका हमें गोल बनाना है, ये हम दूध में डालेंगे। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा दूध डालेंगे और इसका हम गोल बनाएंगे। ये मिल्क पाउडर का गोल हम दूध में डालेंगे। ये एक सीक्रेट टिप आपको बता रही हूँ, इसे आप ज़रूर आजमाइएगा। इससे आपका दही सेम हलवाई जैसा गाढ़ा और मलाई भी बहुत मोटी आएगी। आप खुद कहेंगे कि ये ट्रिक हमें पहले क्यों नहीं पता थी, इससे हमारा दही कितना गाढ़ा और टेस्टी जमा है। ये देखिए, इसका मैंने पेस्ट बना दिया है और इसमें ज़रा भी लम्ब्स नहीं है, आप देख सकते हैं। अब आप देखिए दूध में उबाल आने लगा है। इस स्टेज पर हम इसमें मिल्क पाउडर का गोल डाल देंगे। मिल्क पाउडर का गोल डालने से आपका दूध बहुत गाढ़ा हो जाता है और उससे दही भी बहुत गाढ़ा जमता है, सेम हलवाई जैसा। आप इसका छाछ बनाइए या लस्सी, दोनों ही टेस्टी बनते हैं। अब इसे हमें अच्छे से हिलाना है ताकि मिल्क पाउडर नीचे ना लगे। इसे एक उबाल आने दीजिए, उसके बाद हम फ्लेम को लो कर देंगे। अब आप देखिए इसमें उबाला आ गया है। इस स्टेज पर हम फ्लेम को स्लो कर देंगे और इसे हम 4 से 5 मिनट तक स्लो फ्लेम पर उबलने देंगे। इसे बीच बीच में हिलाते रहिए क्योंकि इसमें मिल्क पाउडर डाला है। इसे 5 मिनट हो चुके हैं उबलते हुए। अब आप देख सकते हैं इसके ऊपर मलाई कितनी आ गई है और दूध भी गाढ़ा हो चुका है। इस स्टेज पर हम फ्लेम बंद कर देंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब मैं दूध को इस कंटेनर में डाल रही हूँ। आपके पास कांच का बर्तन हो, मिट्टी का बर्तन हो या स्टील का बर्तन हो, आप उसमें भी जमा सकते हैं। अब दूध इसमें हम डाल देंगे और मलाई आएगी वो भी डाल देंगे। इसे हम फैन के नीचे ठंडा करेंगे, थोड़ा इसे हमें गुनगुना रखना है। दूध को मैंने ठंडा कर लिया है और ये वार्म है, आप उंगली डालकर चेक कर सकते हैं, ये गुनगुना है। अब इसमें हम जामुन लगाएंगे। मैंने घर का दही लिया है, आप देख सकते हैं इसके ऊपर मलाई कितनी आ गई है। अब हम जामुन लगाएंगे। मेरा घर का दही खट्टा नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा डालूँगी। आप इस तरह से थोड़ा थोड़ा दही साइड में दही मलाई हटाते हुए इस तरह से दही डालते जाइए। और आप इस बात की चिंता ना करें कि जामुन कैसे लगेगा, आप साइड में डाल रही हैं, जामुन अच्छे से लगेगा और आपका दही भी परफेक्ट जमेगा। इस तरह से आप साइड में 3-4 कोने में दही डाल दीजिए। आप बीच में भी डाल सकते हैं, हो सके तो आप मलाई को ना हटाएं, इस तरह आप साइड में डाल दीजिए। और खट्टा दही है तो आप थोड़ा ही डालिए। अब इसे हम जमने के लिए रख देंगे। अब इसके ऊपर हम ढक्कन लगाकर टाइट बंद कर देंगे और किसी गर्म जगह पर इसे जमने के लिए रख देंगे। आप चाहें तो टॉवल में भी लपेट के रख सकते हैं या ब्लैंकेट में भी, तो जल्दी जम जाएगा। और इसे हम 6 घंटे के लिए या ओवरनाइट रख देंगे। इसे 6 घंटे हो चुके हैं, ढक्कन हटाकर हम देख लेते हैं। वाओ, देखिए कितना गाढ़ा दही जमा है। अब इसे हम 1-2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देंगे। इसे मैंने 1 घंटे के लिए फ्रिज में रखा था ठंडा होने के लिए। ये देखिए, वाओ कितना गाढ़ा दही जमा है। ये देखिए कितना गाढ़ा दही जमा है, सेम डेयरी जैसा। घर पर भी आप हलवाई जैसा दही जमा सकते हैं। और ये खट्टा बिल्कुल नहीं है, मीठा दही जमा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, इस पर मलाई भी बहुत मोटी आई है। अब आपको मैं दिखाती हूँ, ये देखिए कितना गाढ़ा दही है और पानी भी ज़रा नहीं इसने छोड़ा है। बहुत ही अच्छा दही जमा है।
ये देखिए कितना गाढ़ा दही जमा है और इसने ज़रा भी पानी नहीं छोड़ा है। जिस तरह से मैंने जमाया है इसी तरह अगर आप जमाएंगे तो ये बिल्कुल पानी भी नहीं छोड़ेगा और दही भी आपका गाढ़ा और मलाई भी बहुत मोटी आएगी, आप देख सकते हैं। और खाने में भी ये बहुत टेस्टी लगेगा, इसे आप ज़रूर बनाइए। अब मैं आपको मलाई बताती हूँ, मलाई भी कितनी मोटी आई है आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं सेम हलवाई जैसी इस पर भी मोटी मलाई जमी है। जिस तरह से मैंने दही जमाया इसी तरह आप जमाइए, ये देखिए कितनी मोटी मलाई आई है इस पर। और ये खाने में भी सेम हलवाई जैसा है, आप बोल नहीं सकते कि आपने ये घर पर दही जमाया है। ये देखिए कितनी मोटी मलाई है, इसे आप ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही गाढ़ी दही जमती है। इस तरह से दही आप ज़रूर जमा के देखिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आज की रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे नई रेसिपी के साथ और इसी तरह आप मुझे प्यार और सपोर्ट देते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय बाय।